जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला है सूत्रों के हिसाब से, एक प्रॉपर इंडियन की तरह आधे घंटे लेट ऐसे करके ये हो गया। अभी ऐसे आगे पीछे कुछ मालूम नहीं बोलते, छोटा से सुना है वो। वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तुम सब ने बहुत बार सुना होगा कि लोग गाय बांधते हैं, लोग बैल बांधते हैं, लोग कुत्ते को भी बांधते हैं, लेकिन मैं आज आप सबको एक नया चीज़ दिखाएगा, ऐसे तड़कता भड़कता एक नया लेटेस्ट यहाँ पे जो होता है और फॉलो करते हैं। आज हम लोग दिखाएंगे आपको लहसुन का पेड़ बांधते हुए। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, किस लिए, कैसे, क्यों करना है ये सब चीज़, लेकिन लहसुन के पेड़ को बांधने से उसकी आत्मा भागती नहीं है, फिर वो उसी में रहती है, फिर लहसुन बड़ा होता है। फालतू का ज्ञान, लेकिन लहसुन बड़ा होता है इतना मेरे को पता है, मम्मी ने बोला। और यहाँ पे गेहूं है वो सारा काट वाट के हो गया, तो इन सारे गेहूं को इकट्ठा करेंगे आज और वहाँ ले जाएंगे। आगे मैं भी कट किया है थोड़ा सा, तो वहाँ पे कल मड़ाई होगा, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला है सूत्रों के हिसाब से, सूत्र मतलब मालकिन। तो मम्मी कहते खुश है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ मड़ाई करते हैं तो हवा आता है तो सीधे अपने घर में आता, मतलब उसका भूसा उड़ता है, लेकिन अगर वहाँ होगा तो अपने घर पर नहीं आएगा भूसा, क्योंकि किसी और के घर पे जाएगा, जिसके घर पे जाएगा सॉरी, लेकिन मजाक मस्ती नहीं, हमारे घर पे तो नहीं आएगा भाई। और थोड़ा देर में मम्मी को जाना है, पूजा वूजा पे, कीर्तन वीर्तन है 10 बजे से, वो नवरात्रि चल रहा है ना, तो इसलिए इनविटेशन आया, न्योता आया। और वहाँ कोई बाबा आया भाई, एक मैं जूम मारता, रुक जाओ। बाबा पिछानदेही कर रहे हैं, कभी कभी भरोसा भी नहीं होता ऐसे बाबा लोगों का, कभी कभी लगता है कि सच भी हो सकता है। एक बार एक बाबा का मैंने आधार कार्ड मांग लिया था कि भाई दिखाओ कहाँ के रहने वाले हो, यूपी का था, मंदिर में बैठ रहते हैं यहाँ, मैं बोला पुजारी है, बोले नहीं बस मांगता हूँ, सैटरडे आता है, शनि महाराज के नाम पे आके मांग के ले जाता है। तो बाबा जी हमारे घर पे आए थे तो मैंने 10 रुपये दे दिया, तब मम्मी पूजा कर रही थी और पापा एक्सरसाइज, तो मैं बाहर निकला और मैंने दे दिया। ऐसे रिकॉर्ड किया नहीं, ऐसे डर फटती है थोड़ी बाबा लोग के सामने ना कैमरा वैमरा निकालने के लिए, फट से कैमरा पकड़ के कुछ बोल जाते हो क्या कर रहे हो ऐसे, वैसे बाबा लोग थोड़ा एग्रेसिव टाइप के नहीं होता। तो मम्मी का पूजा वूजा कंप्लीट हो गया, अब ब्रेकफास्ट बन रहा है। अब हमारे घर पे क्या प्रॉब्लम है बता, प्रॉब्लम नहीं बोल सकता ये, मे भी सबके घर पे हो रहा हो, कि हमारे घर पे 2 से 3 टाइप का खाना बनता है, एक मेरे लिए जिसमें लहसुन प्याज सब होता है, एक मम्मी के लिए जिसमें कुछ नहीं होता, और पापा तो वो दूध भात वो सबका खा लेते, उनको का फर्क नहीं पड़ता। तो ये मम्मी अभी बना रही है, मेरा नाश्ता तो बन गया, पापा का बन रहा है, और मम्मी का तो ट्यूसडे है तो व्रत, तो मम्मी का बस दूध। तो कितना बजे जाएगा पूजा में, बुलाया 10 बजे है ना, एक प्रॉपर इंडियन की तरह आधे घंटे लेट इज्जत से। अब मैं तो आधा घंटा नहीं दौड़ के, एक एक घंटा तो दौड़ लेता। ऐसे इंडियन है तो ऐसे निशानी तो छोड़ के जाना चाहिए ना, छोड़ने पड़ेगा, एक एक घंटा परंपरा ही है, एक घंटा डेढ़ घंटा तो लेट होना बनता है। तो यहाँ मम्मी तैयार होगी पूजा वूजा में जाने के लिए, और खुले वुल्ले पैसे अपने पर्स में चेक करी थी तो नहीं मिला, तो उसके बाद क्या होता है, मेरे पास तो पर्स रहता नहीं क्योंकि मैं ऑनलाइन पूरा देता है, तो एक आदमी का पर्स और बचा, पापा का पर्स से पूरा पैसा निकाल लिया खुल्ला वाला। तो तुम रात में 200 रुपए खुला करके लेके ना, और कब तक आएगा फिर वापस? अरे बाबू अभी तो पहुंचा ही नहीं है, पहले 12 बजे जाएगा होगा, फिर आगे फिर बना के फिर जाना है ना दूसरे जगह, तब खुला पैसे चाहिए। देखो भैया आज का दिन बहुत ही पैक्ड, फुल्ली पैक्ड था। एक होता है बिजी शेड्यूल, दूसरा होता है बहुत बिजी शेड्यूल, तीसरा होता है कि आदमी गायब। मेरा था बहुत बिजी शेड्यूल और तीसरा वाला था मम्मी के लिए, कि मम्मी दिन भर गायब थी। मम्मी सुबह गई सीधा भजन कीर्तन के लिए और आई सीधा शाम को, ठीक है। जब मैं जिम से आ गया वापस तब देखा कि मम्मी खाना बना गई डायरेक्ट, तो मतलब दिन भर गायब, दिन भर क्या शाम भर गायब। तो अभी तो डिनर विनर करके सब बैठ गया और मम्मी यहाँ पे अपना न्यूज़पेपर पढ़ रही है, थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स को थोड़ा बढ़ा रही है। तो ताजा खबर क्या है फिर? ये आदम खुरबा को ढेर करने के लिए आगे शिकारी, अब पता नहीं जो होता है, ढेर करते हैं, पकड़ते हैं, जो भी करते हैं। एक्चुअली मैं जो शेर था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को मार देता ना इधर उधर के आसपास के, तो अब तो बुलाना ही था। तो ठीक है, होपफुली पकड़ ले। एक सेकेंड क्या हो रहा है, कैमरा कीड़ा विड़ा रहा है, रुक जा। हाँ अब कीड़ा भाग गया, लेकिन कीड़ा भागने के लिए थोड़ा टाइम लग गया है, रात से सुबह हो गया, क्या करें। तो कल जो मैंने सीना चौड़ा करके सुबह सुबह बोला था कि हम लोग दिखाएंगे लहसुन को बांधते हुए, तो वो समय आ गया है, अब दिखाएंगे, अब इसी क्षण इसी वक्त दिखाएंगे। ये देखो, तो ये इंसान बांध रहा है सुबह सुबह, मतलब दिन में थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए बांध दिया हमने ये पूरा। अब इसका क्या होगा पता है, इससे कि लहसुन का ना आत्मा कहीं भागेगा नहीं, उसको हमने बांध दिया तो जकड़ लिया। आत्मा भागेगा नहीं, नीचे का बड़ा बड़ा होता है क्यों है, सिस्टम क्यों करता है वैसे, क्या मतलब नीचे बड़ा लगने के, नीचे बड़ा होता है बोला ना ऊपर, ऊपर का सिर अगर बांध दो तो बड़ा हो जाएगा, नीचे बढ़ेगा नहीं, नीचे फैलेगा ना, वो सिर बड़ा होते जाएगा तो फैलते जाएगा ऊपर में, ऊपर बढ़ने नहीं सकेगा तो नीचे गए तो बढ़ेगा, कचाता नहीं है पेड़ छोटा होगी नहीं पता ऐसे करके ये हो गया अभी। यही तो है, बांध तो दिया, दिखने में तो कुछ अलग लग रहा है वैसे, छोटी जैसे टमाटर वमाटर भी हो रहा है बड़ा बड़ा, टमाटर तो बहुत ही लगा है लेकिन पकेगा का पता, लगा तो बहुत सारा बाकी का कब कोई आइडिया नहीं। और यहाँ पे बीन्स भी थोड़ा सा बड़ा होने लग गया, ये एक फूल भी लग रहा है मिर्चा में, ये तो तेरा पापा शिमला मिर्च बोल के लाया था, शिमला मिर्च जैसे लग नहीं रहा, नॉर्मल मिर्च ही लग रहा है ना?
पापा को बुद्धू बना दिया। तो बगान पे लहसुन असन को तो बांध के हो गया। तब जाते जाते हमने देखा कि हमारा धनिया पक गया है, तो धनिया भी हमने उखाड़ लिया। ये बीज ना ये अगला बार के लिए काम आ जाएगा। और एक बात बताओ, एक बात पूछने का मन था हमको कि पूजा वूजा होता है तो फट से लहसुन प्याज क्यों बंद करता है आदमी? सबसे पहले क्या होता है उससे? लहसुन प्याज मीट मछली, मीट मछली चलो समझ में आता है, लहसुन प्याज क्यों? तो लहसुन प्याज भी उसी में आता है बोलते हैं ना, पता नहीं। लहसुन प्याज, मसूर दाल, बैगन, कई प्रकार की सब्जी नहीं खाते। ये खा लिया और मीट खा लिया की है बोलते थे, नहीं खाता है कभी। अच्छा नहीं खाता है। नहीं वही तो पूछ रहा क्यों नहीं खाता है। वही तो नहीं खाता है, फिर पहले से बोलते नहीं खाता है, वो खाया जूठा हो जाता है, बोलते जूठा मानते हैं उसको। बस यही बात है और ऐसा कुछ मालूम नहीं आगे पीछे। ऐसे आगे पीछे कुछ मालूम नहीं, बोलते छोटा से सुना है वो। और किसी ने छोटा से और अच्छा सुना होगा तो बताना कि क्यों नहीं खाते। और यहाँ पे हमारा छिपकली धूप सेकता हुआ, देख रहे हो, देख रहे हो एकदम कलर चेंज करके मस्त। एक ये और एक लकड़ी के कलर में चेंज हो जाता है, जहाँ बेटा जिसका कलर वैसे हो जाता है वो। वही है भाई उसका जिंदगी बचाने का तरीका। हाथ पाओ का देखो कलर, लकड़ी का जैसा है बदन का कलर देखो, अजीब है। कलर चेंज नहीं किया तो क्या पता उसकी जिंदगी ना बचे। जिंदगी बचाने का उसका निंजा टेक्निक है। तो मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है। और एक चीज, कल रात को क्या हुआ घर पे बना? मटर और सोयाबीन का सब्जी। तो जनरली मम्मी बहुत बार पूछती है लेकिन सब लोग ऐसे इग्नोर मार देते हैं क्वेश्चन को। मम्मी पूछती है कि बना दो क्या, सब लोग बोलते हैं जब कुछ अच्छा ऑप्शन है घर पे, अंडा है, चिकन है, तो उस पर पहले उस पर मारा जाए ना। तो बाद में उसका सोयाबीन और मटर आता है। तो लेकिन कल ट्यूजडे था तो बन गया। उसके पापा पूछ रहे हैं तुम तो बनाते नहीं हो ये, मैं तो बोलता हूँ तुम बनाते नहीं हो, ये कहाँ पड़ा हुआ था घर पे? अच्छा बना अच्छा बना अच्छा बना अच्छा बना अब हम कर लो। एक्चुअली मैं एक बार लाइट कट गया था तो दोबारा मोटर नहीं, क्या बोलते उसको, मिक्सी ऑन करना पड़ता है। और वहाँ पापा सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। बेसिकली रिविजन चल रहा है, पहले याद था अब याद है कि नहीं चेक कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे मन करके खाली बैठा है तो नवरात्रि बोल गया, चलो ठीक है इसलिए तो रिविजन चल रहा है सब कुछ का। तो फिर खाना वाना खा के तो हो गया और अब मैं अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम करके अभी थोड़ा जस्ट ब्रेक लिया। तो मम्मी भी अपना सो के उड़ी और अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही है। कल थोड़ा मिस हो गया था तो आज मम्मी का ट्यूशन मास्टर आई थी तो अपना पढ़ाई वढ़ाई करी, होमवर्क वोमवर्क दिया उसने। अब तो थोड़े दिन ऐसे ही निकलेगा शायद त्यौहार व्यवहार के चक्कर में, सब लोग इधर उधर भजन कीर्तन में बुलाते हैं, कोई बात नहीं लेकिन जब टाइम मिलो तब पढ़ो, वो जरूरी है, पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। तो क्या पढ़ाई चल रहा है अभी? क्या ये डियर इन नो वे वो इस है, इन नहीं है, इस है, इस ये कोई रास्ता नहीं है भाई। अच्छा ठीक है चलो बढ़िया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे साथ में ये थोड़ा सा संतरा वंतरा पापा आज लेके आए थे दिन में तो वो भी खा रहे हैं टाइम पास के लिए। टेस्टलेस है, ठीक है, बोल के तो नमक भी डाल दिया। तो ठीक है फिर ये वाला ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं क्योंकि अभी ब्लॉग थोड़ा एडिट करके अपलोड भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा शेड्यूल टाइट है अपना बहुत। तो फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।